गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए, 8:05 हुए और मैं कुछ 6:30 उठ गया था क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे मुर्गे, मतलब एटलीस्ट मैंने 5 देखे, सब चिल्ला रहे थे उठ जा भाई उठ जा भाई। अभी थोड़ा बैग वैग पैक करना है। टेंट मेरा अभी वैसे का वैसे ही है। थोड़ी देर में उसको पैक करके मैं डाल दूंगा। तो नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं थाईलैंड से कंबोडिया क्रॉस करूंगा। चेक पॉइंट का नाम है बान पकड़। यहाँ से चेक पॉइंट वो 3 किलोमीटर दूर है, तो मैं थोड़ा अंदर जाऊंगा और वहीं पे कहीं करेंसी एक्सचेंज होता है कि नहीं पूछ लूँगा। और क्या, टिकट प्रिंट करानी है, होटल बुकिंग प्रिंट करानी है, दैट्स इट। फोटोज़ वगैरह सब है मेरे पास, पैसा एक्सचेंज कराना है बस और आगे निकलना है। तो मैंने ब्रश वॉश कर लिया है, नहाया नहीं मैं, नहा सीधा मैं हॉस्टल में नहा लूँगा क्योंकि तो सुन रहे हो, पक पक पकाया हूँ। तो ये सब कहानी है और गला अभी भी ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। कॉफ़ी वॉफ़ी मैं थोड़ी देर में पी लूँगा। एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ, मैं टिकट का वेट कर रहा हूँ। तो जब तक टिकट आएगी नहीं तब तक मैं प्रिंट निकाल नहीं सकता। ठीक है, जब मैं बॉर्डर पे पहुंच जाऊंगा तब मैं आपसे बात करता हूँ। टेंपल में मैंने नहा लिया था क्योंकि नहाने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए नहाना मैंने समझा कि इम्पोर्टेंट है। अभी बज गया है 11:20, मैं अभी तक बॉर्डर पे ही हूँ। बॉर्डर पे क्यों, क्योंकि मुझे प्रिंट निकालने को कहीं मिल रहा नहीं है, एक्सचेंज करने के पैसा एक्सचेंज करने के लिए कहीं पे मिल रहा नहीं है। एक छोटे से गांव में हूँ मैं अभी, बॉर्डर यहाँ से कुछ 700 मीटर की दूरी पे और बॉर्डर चेक पॉइंट कुछ 500 मीटर की दूरी पे। तो प्रिंट निकालना है और मनी एक्सचेंज करना है, मुझे कुछ मिल रहा ही नहीं है यहाँ। तो मेरे ऐसे आप गलती मत करना, प्रिंट्स वगैरह सब घर से लेके आओ। घर से मतलब जिस किसी भी टाउन में आओ नियर बाय, तो वहीं से आप निकाल के यहाँ पे लेके आए। यार ये सब टाइम पे यार बहुत झंझट होती है। और ऊपर से मैंने अपना हॉस्टल बुक कर लिया है सीएम रेट का, तो मुझे वहाँ पे पहुँचना भी है 3 बजे के आसपास। अभी मैंने यहाँ पे बजा दिया 11:30, सब होते होते पूरा 12 बजेगा। और ये जो पीछे मेरे शॉप है ये बोल रहे कि 2 घंटा वेट करना पड़ेगा, जो प्रिंट निकालने वाला है वो है ही नहीं यहाँ पे। अभी एक तो 2 घंटा वेट करना पड़ेगा या तो मेरे को कुछ देखना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा कि आजू बाजू का ही है क्या, तो बोलते किसी के पास नहीं है यहाँ पे। अब क्या करने का बोलो। मेरे को एक भाई थे, उन्होंने जहाँ पे मैं टेंपल में सोया था ना वहीं पे एक इमरजेंसी पुलिस की तरह एक काम करते वो लोग, मतलब 911 जैसा नहीं है ये, मतलब कैसे बताओ पता नहीं, वो कुछ तो भी था वहाँ पे। वहाँ पे मैं गया उनके पास, मैंने उनको पूछा कि मैं प्रिंट कहाँ से ले सकता हूँ। समझ में नहीं आ रहा था, मैं बोला मुझे बॉर्डर जाना है, वहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी दिखा था मुझे, मैं उनको पूछा कॉफ़ी मिलेगी क्या, कॉफ़ी दिया उन्होंने मेरे को, मस्त कॉफ़ी पिया, थोड़ा बहुत बातें किया। उनका नाम था नोक,
तो उन्होंने मुझे यहाँ पे छोड़ के दिया बॉर्डर के पास। अभी यार मेरे को प्रिंट लेने का है, प्रिंट लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा दिखा नहीं सकता, वो गलत हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी में दिखा नहीं सकता, गलत हो जाएगा, इसलिए अभी मुझे प्रिंट के लिए रुकना पड़ेगा, भरपूर करेंसी भी एक्सचेंज करना है। ठीक है, वो सब होने के बाद जब मैं बॉर्डर की तरफ जाऊंगा तब मैं आपको आपसे एक बार बातें करूंगा। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है, मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या वेट कर लेंगे। बन पकर चेक पॉइंट पर आया हूँ मैं, उस साइड मेरे इस साइड आता है इमिग्रेशन चेक पॉइंट, इस साइड है 7-Eleven और राइट साइड में आता है थाईलैंड, और मेरे पीछे ये है एक्सचेंज मनी। मतलब जैसे ही आप चेक पॉइंट के तरफ आते हो राइट साइड में आपको 7-Eleven मिलेगा, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ पार्क की है लाइक दिस इधर साइड, और यहाँ पे मनी एक्सचेंज का ऑफिस है। तो जो मतलब थाई की एग्जैक्ट करेंसी वैल्यू है वही मुझे मिली है, मैंने कुछ 1650 थाई बात दिए उनको, तो मुझे $47 मिल गए, जो कि एग्जैक्टली जो एक्सचेंज एक्सी रेट पे आता है ना वही मिला है मुझे। तो इस साइड अभी मुझे पैदल जाना है थाई इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ, मुझे एग्जिट का स्टैम्प लेना है और फिर वहाँ से मैं कंबोडिया जाऊँगा। ये है ऑफिस, ये विंग ऐसा कुछ लिखा है, तो यहाँ पे शायद आपको सिम मिल जाएगा और करेंसी एक्सचेंज करने को मिल जाएगा, तो एग्जैक्ट जो करेंसी है वही यहाँ पे चेंज होता है। यहाँ पे वियतनामीज डोंग चेंज नहीं होता है, यहाँ पे कंबोडियन का जो करेंसी, कंबोडियन रियाल और डॉलर और थाई बात, तीन करेंसी एक्सचेंज होती है। ठीक है, उस साइड है थाईलैंड, अभी मैं आ गया हूँ कंबोडिया साइड, ये ब्रिज के उस साइड थाईलैंड है, ब्रिज के इस साइड कंबोडिया। अभी मैं जाता हूँ इमिग्रेशन वीज़ा ऑन अराइवल लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो बना नहीं सकता, ये थोड़ा सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, तो मैं सब बनाने के बाद आपको डिटेल्स में बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं आ गया हूँ कंबोडिया में, मेरा फर्स्ट बॉर्डर क्रॉसिंग है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग, बहुत स्मूथ गया भाई। मैं इतने देर वेट किया प्रिंट निकालने के लिए कि भाई पूछेंगे, इनकेस पूछा तो वाट लग जाएगी, एक पेपर नहीं पूछा मुझे, खाली पासपोर्ट पूछा बस, और $35 मैंने पे किया थाईलैंड इमिग्रेशन में, पासपोर्ट लिया, फिंगरप्रिंट स्कैन किया, चश्मा ड्रॉप करने के लिए बोला, दैट शिट, कुछ नहीं, आप जाओ सर। मैंने एग्जिट का स्टैम्प ले लिया थाई इमिग्रेशन से, एक सवाल नहीं किया मुझे पूछा खाली कि वे यू गो, मैं बोला कंबोडिया, कम बैक, मैं बोला नहीं, आई एम नॉट कमिंग बैक, आई गो टू लाओस, तो बोले ओके, बस थाईलैंड इमिग्रेशन में वही पूछा। उसके बाद मैं पैदल आया, वो ब्रिज क्रॉस किया, ब्रिज क्रॉस करने के बाद वहाँ पे वीज़ा सर्विस था, तो वीज़ा सर्विस में मैंने मेरा पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने कुछ चेक किया कि फीस कितना लगता है, ऐसा वैसा कुछ शायद चेक किया होगा, तो मैंने उनको पूछा फीस कितना, उन्होंने 35 बोला, मैं मुझे सुनाई दिया 65, और मैं एकदम शॉक, मैं बोला 65 कैसे क्या, फिर से वो बोला 35, मैं फिर समझा 35 ओके, तो $35 मैंने वीज़ा फी दी, उन्होंने स्टिकर लगाया, स्टिकर वीज़ा का मैं फ़ोटो यही डाल दूंगा आसपास, तो मैंने स्टिकर वीज़ा लगा लिया, और उसके बाद इमिग्रेशन कार्ड मैंने उनको भर के दिया। इमिग्रेशन कार्ड में बस कुछ नहीं, अपना नाम लिखना पड़ता है, पासपोर्ट नंबर लिखना पड़ता है, पासपोर्ट नंबर के बाद और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब, ये सब लिखना पड़ता है,
नेशनैलिटी लिखनी पड़ती है बस, और वो इमिग्रेशन स्टैम्प दो होते हैं, एक उनके पास रहता है, एक अपने पास रहता है। तो मेरे पास पासपोर्ट के पेज के साथ उन्होंने स्टैपल किया है, सॉरी वीज़ा के पेज के साथ उन्होंने स्टैपल किया है पासपोर्ट में। तो स्टिकर वीज़ा मिला है मुझे, स्टिकर वीज़ा बहुत नॉर्मल रहता है, स्टिकर रहता है उस पर नाम लिखा जाता है मेरा, मतलब अपना कब से कब तक का वीज़ा है वो लिखा है। तो मेरा 20 जैन को मेरा एंट्री है, एग्जिट मेरा 19 फेब को होगा, उससे पहले ही मैं निकल जाऊँगा। मुझे पूछा गया सिर्फ यहाँ पे कि कौन से सिटी जा रहे हो, मैं बोला सेम रिप जा रहा हूँ मैं, मुझे अंकुर वाट देखना है। तो वो बोले ठीक है ठीक है। मैंने खाली फोकट इतना वहाँ पे टाइम पास किया, बट वो इम्पोर्टेंट था, इनकेस मुझे पूछते थे तो दिखाना पड़ता था ना। ना मुझे यहाँ पे वैक्सीन सर्टिफिकेट पूछा, ना मुझे रिटर्न टिकट पूछी, ना मुझे और क्या लगता है और एक डॉक्यूमेंट है ना, मुझे होटल बुकिंग पूछा, कुछ नहीं पूछा। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, थाईलैंड से होकर कंबोडिया जाना चाहते हो, तो ये जो बान पकार्त करके जो चेक पॉइंट है ये अपने लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। मेरे को तो कुछ पूछा नहीं, मेरा पासपोर्ट देखा, फ्रेंडली तो कोई इमिग्रेशन ऑफिसर रहता नहीं, मैं उनको थैंक यू बोल रहा हूँ फिर भी हंस रही नहीं है वो, एटलीस्ट स्माइल तो देना चाहिए ना, कोई स्माइल नहीं दिया, मेरे को कोई लेना देना भी नहीं है। मेरे को मिल गया स्टैम्प, मैं निकल के आ गया, बस ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अभी क्या, अभी मैं जाने वाला हूँ सीएम रेप के लिए, देखता हूँ यहाँ से कहीं से मिलता है तो मुझे अपना ये क्या बोलते हैं हिचाइक, यहाँ से 250 किलोमीटर है, और मेरा ट्रू मूव का सिम अभी भी चल रहा है, 4G दिखा रहा है अभी भी। तो मैंने मैप में फिट कर लिया है सीएम रेप का रोड, यहाँ से मुझे हाईवे नंबर 57 पकड़ के स्ट्रेट जाना है और एक हाईवे चेंज करना है आगे। तो इजी प्रोसेस था मेरा, बिल्कुल इजी था, मतलब कुछ नहीं भाई, खाली मैंने $35 दिए, पासपोर्ट दिया, फिंगरप्रिंट मेरे स्कैन किए, बस ख़त्म बात, उतना ही। और अभी मैं निकलने वाला हूँ सेम रेप के लिए। तो ये आप इंडिया से हो तो आपके लिए बेस्ट है ये, मैं तो बोलता हूँ इधर से ही है ना, वो अरण्य प्रदेट वाला बहुत ही क्या बोलते एक्सपीरियंस इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे रहते हैं वहाँ पे। यहाँ पे क्या, मुझे एक फॉरेनर नहीं दिखा, ना एक इंडियन दिखा, मुझे सब थाई लोग दिखे, बस थाई पीपल, दैट्स इट। तो कैसा होता है ना, ये लेसन ऑन इमिग्रेशन पॉइंट पे, चेक पॉइंट पे आपको थोड़ा इनको एक्सपीरियंस कम रहता है बाकी नेशनैलिटी को हैंडल करने में, तो ये लोग ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो खुद में तो कोई वादा नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। मैं भी एकदम कॉन्फिडेंटली एक्ट किया, वैसे भी मेरे पास सब डॉक्यूमेंट ही था, मेरे को कोई डरने की बात ही नहीं थी। तो बस अभी क्या, अभी मैं निकलता हूँ। अगर आप आते हो यहाँ पे तो मेक श्योर कि आप रिटर्न टिकट, अब हॉस्टल का बुकिंग, पासपोर्ट, फ़ोटो भी नहीं लिया मेरे से, फोटो का भी ज़रूरत नहीं था, बट फोटो रखना साथ में, दैट्स इट। 4-5 डॉक्यूमेंट्स लगते, बस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर आ रहे हो तो। बट ये मेरे को सही लगा, बान पकार्त करके चेक पॉइंट है थाईलैंड से, और ये प्रम ऑफिस है, मतलब ये अभी मैं जिस साइड आया हूँ ये प्रम, इसको बोलते हैं प्रम एरिया, ये प्रम प्रोविंस है शायद ये। मेरा हाथ दुख रहा है इसलिए कैमरा का एंगल थोड़ा नीचे गया था, बट बहुत से एक्सपीरियंस था मेरा। मैं आपको ये ज़रूर रेकमेंड करूँगा, थाईलैंड से कंबोडिया, ये बॉर्डर से कोई सवाल नहीं किया मुझे, $35 दिए, बस ख़त्म बात। बहुत खुश हूँ भाई, अभी मैं निकलता हूँ, मेरे को पैदल बहुत दूर तक चलना है, खाया भी नहीं मैंने कुछ, खा लेता हूँ, देख लेता हूँ कुछ मिलता है तो खाने को, चलो मिलते हैं।